नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज बात करेंगे सकाम पूजा और निष्काम पूजा के बारे में। इस बारे में वैसे कई बार जो है आप लोगों से मैंने कई अलग अलग वीडियो में इसके बारे में बताया है, पर आज इसके ऊपर ही एक जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ, संक्षिप्त में ही ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि विषय जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। सकाम पूजा और निष्काम पूजा, अगर बहुत सहजता से देखें, सकाम का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की कामना लेकर जो है जो पूजन हम कर रहे हैं उसे जो है सकाम पूजा कहा जाता है। और निष्काम पूजा क्या है? जो पूजा जो है हम किसी कामना के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल जो है भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आराधना कर रहे हैं, यानी कि हमारे भक्ति वृद्धि हो इस प्रार्थना के साथ जो है हम आराधना कर रहे हैं, वो जो है वो निष्काम पूजा है। अर्थात जो है आप किसी भी प्रकार की, चाहे वो रोग मुक्ति हो, चाहे वो आपके गृह के कई प्रकार के कल्याण हो, या फिर कई सारे, जैसे कई लोग परीक्षा को लेकर, कई सारे विषयों को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादातर 90% लोग जो पूजन करते हैं और खासकर गृहस्थ जो पूजा करते हैं वो सकाम पूजा होता है। निष्काम पूजा मूल रूप से साधक भाव की पूजा होते हैं। साधक अपने इष्ट के जो है केवल अपने भगवत भक्ति, उनके इष्ट के प्रति उनकी भक्ति जो है उसकी वृद्धि हो इस जो है इस प्रार्थना से ही जो है वो पूजन करते हैं, और ये जो है ये निष्काम पूजा है। निष्काम पूजा और सकाम पूजा के जो है ना संकल्प भी अलग होते हैं। जैसे अगर आप दुर्गा पूजा देखते हैं तो दुर्गा पूजा में भी निष्काम और सकाम दोनों पूजा होते हैं। घरों में जो पूजन आप देखते हैं या फिर जो है पंडाल आदि में जो भी सारे पूजन आप देखते हैं वो सारे पूजा सकाम पूजा है, यानी कि कोई ना कोई कामना के साथ जो है पूजन किया जा रहा है, घर के कल्याण के लिए हो या फिर जो है कोई कल्याण कोई कामना के साथ, उसमें कोई ना कोई कामना जो है उसमें निहित है, तो इसलिए जो है वो पूजा जो है दुर्गा पूजा की वो पूजा जो है वो सकाम पूजा कहलाई जाती है। और बेलूर मठ आदि में जो पूजा आप देखते हैं वो असल में निष्काम पूजा है। इसलिए बहुत सारे समय जो है बहुत लोग जो है बेलूर मठ की पूजा आदि देखकर, दुर्गा पूजा आदि देखकर वो करने जाते हैं, पर उसमें वो कई सारी चीज़ें मिला नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि दुर्गा पूजा की मतलब दूसरे जो है दुर्गा पूजा के ग्रंथ आदि के साथ पूजा को मिलाने जाते तो वो मिलता नहीं है। इसके पीछे का कारण यही है कि बेलूर मठ आदि में, क्योंकि वो एक सन्यासी संघ है, तो वहाँ पर निष्काम पूजा किए जाते हैं। निष्काम पूजा जो है वो संपूर्णता कामना रहित होता है। वहाँ पर जो है केवल भगवत भक्ति के वृद्धि के लिए ही जो है पूजन किया जाता है, तो इस कारण से जो है वो निष्काम पूजा है। तो सन्यासी संघ या पर मठ आदि में जो पूजन आप देखते हैं वो जो है वो निष्काम पूजा है, वहाँ पर कोई कामना नहीं होती है। भगवत भक्ति में वृद्धि ही जो है वो एकमात्र जो है वो उनके प्रार्थना होती है, तो इसलिए जो है वो निष्काम पूजा है। मतलब अगर वहाँ पर कामना है भी तो वो निष्काम कामना है, यानी कि वहाँ पर कुछ पाने की कामना नहीं है, वहाँ पर भगवत भक्ति को जो है भगवत भक्ति में वृद्धि हो यही कामना होती है, इसीलिए उसे निष्काम कहा जाता है। सकाम यानी कि उसमें कई प्रकार के कामना जो है, जैसे पुत्र के लिए जो है, जैसे यज्ञ भी किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि, ये जो होता था दुर्गा पूजा को इसी मतलब ये जो सारे यज्ञ होते थे अश्वमेध आदि यज्ञ जो है कली काल के अश्वमेध यज्ञ कहते हैं दुर्गा पूजा को, इसलिए क्योंकि कामना दुर्गा पूजा कोई ना कोई कामना से, जैसे जैसे बड़े बड़े आयोजन आदि के साथ पहले के समय में राजा जमींदार या फिर जो है कई लोग करते थे, तो वो जो पूजा आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है दुर्गा पूजा के, वो जो है वो सकाम पूजा ही है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कामना जो है वो छुपे हुए हैं। पर जो सन्यासी संघ में होते हैं या पर जिनके इष्ट देवी है माँ दुर्गा या कोई भी उनके इष्ट, मैं दुर्गा पूजा से आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोई भी उनके इष्ट हो सकते, उनके पूजन वो केवल मात्र जो है वो अपने भक्ति वृद्धि, अपने इष्ट के प्रति जो है भक्ति वृद्धि के लिए वो पूजन करते हैं, तो वो जो है वो निष्काम पूजा हो जाता है दोस्तों, यानी कि वो निष्काम पूजा होता है।
जब सकाम पूजा हो रहा है तो उसमें विधि आदि का मतलब विधि आदि पालन जो है उसके ऊपर कई ज़्यादा जोर दिए जाते हैं, क्योंकि सकाम पूजा में जो है क्रिया आदि जो है ये जिस प्रकार से कहा गया है बिल्कुल उसी प्रकार से करना होता है, क्योंकि ये सकाम पूजा हो रहा है। पर निष्काम पूजा में कई सारी चीज़ें जो है साधक अपने मानस भाव से करते हैं। असल में निष्काम पूजा जो है वो मूल रूप से मानस पूजा ही है, उस मानस पूजा का ही जो है भावनात्मक बाह्य पूजा जो है साधक करते हैं। तो निष्काम पूजा में कई सारे विधि आदि कई सारे विषय आदि जो है साधक अपने भाव से कर सकते, पर सकाम पूजा में ऐसा नहीं होगा। सकाम पूजा में जो है एक जो है पद्धति जो है उसका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि सकाम पूजा के जो विधि आदि होंगे जो आचार आदि होंगे वो सारे जो है वो एकदम जो है शास्त्रीय नियम आदि के विधिवत होना चाहिए। पर निष्काम पूजा में साधक की भाव जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि साधक जो है अपने मानस भाव से अपने इष्ट को जिस प्रकार से पूजन करते हैं बाह्य पूजा में भी वो उन्हीं सारे उपचार आदि से पूजन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शास्त्र विधि नहीं मानेंगे या फिर शास्त्र विधि से एकदम बाहर जाकर पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। पर शास्त्र विधि में भी जो है वो कई सारे विषय जोड़ सकते हैं, कई सारे अपने भाव से उसमें जो है वो पूजन कर सकते हैं। पर सकाम पूजा में ये सारे विषय जो है वो नहीं होना चाहिए। सकाम पूजा में एकदम जो है जो विधि है उसका ही अनुसरण करना होता है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे घर आदि में जो लोग सकाम पूजा दुर्गा पूजा आदि देखेंगे ज़्यादातर जो है परिवार के लोग नहीं करते हैं, परिवार के लोग आदि वो खुद से नहीं करते हैं, वो किसी बहुत अच्छे जानकार आदि से ही जो है दुर्गा पूजा आदि कराते हैं। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि वो जो है वो सकाम पूजा करा रहे हैं। निष्काम पूजा में जो है ये विषय जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। निष्काम पूजा में भक्त के यानी कि साधक के भक्ति भाव ही जो है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और भक्ति भाव से वो मानस पूजा में प्रतिष्ठित होकर जो है अपने इष्ट को जो है मानस भाव से अपने भक्ति से जो है वो उपचार आदि के साथ पूजन करते हैं। वहाँ पर भी उनके शास्त्रीय उपचार होते ही है, पर उसमें जो है भक्ति भाव का मिश्रण जो है वो मूल होता है, यानी कि भक्त अपनी भावना से जो है जो सारे उपचार मानस भाव से पूजन करते हैं वही जो है अपने बाह्य उपचार में भी वो अपने इष्ट के करते हैं। अगर आप तंत्र के जाएंगे मतलब हमारे शास्त्र के अगर आप जाएंगे तो इसीलिए कहा गया है जो निष्काम पूजा है उसमें जो है मानस पूजा ही मूल है, यानी कि मानस पूजा में प्रतिष्ठा ही जो मूल है। असल में दोस्तों जो हमारे जो वैधि पूजा होती है जो कि सकाम पूजा है, तो वैधि पूजा जो है वो केवल गृहस्थों के लिए ही मूल है, और जो साधक होंगे जो वैरागी होंगे उनके लिए मानस पूजा ही मूल है, क्योंकि मानस में ही जो है एकत्म होना, अपने ईश्वर को जो है अपने हृदय कमलासन पर स्थान देकर वहाँ पर पूजन करना यही जो है साधक का मूल विषय होते। तो निष्काम जो पूजा होती है वहाँ पर मानस पूजा ही मूल होती है, उस मानस पूजा के भाव से ही जो है फिर उपचार आदि जो भी शास्त्र विधि होते उस अनुसार जो है साधक पूजन करते है, पर मानस भाव ही वहां पर मूल है, अपने भक्ति भाव के उपचार से ही जो है साधक पूजन करते हैं। शास्त्र में भी एक विषय जैसे कि बहुत सुंदरता से कहा गया है, देखिए कि वैधि पूजा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भक्ति भाव के पूजा ही आपको करना चाहिए। देवी पुराण में यह विषय बहुत सुंदर कहा गया है, अलाभीन च पुष्पांग पत्रान्यपि निवेदयत पत्राणाप अलाभ्यते तु फलान्यपि निवेदयेत फलानालाभेतु तृणगुल्मौषधीन्यपि औषधीनामलाभेतु भक्ता भवति पूजिता। अर्थात जो है यदि पुष्प ना मिले तब पत्र अर्पित करना चाहिए, पत्र ना मिले तब फल तब जो है फल आदि, और फल भी ना मिले तो फल मतलब जो है जैसे
बेल पत्र नहीं मिल रहे हैं, तो बेल पत्र की जो मतलब बेल फल जो है केवल, कई समय ऐसा होता है जैसे कि हमें पूजा के कई सारे उपचार आदि नहीं मिल रहे हैं, बेलपत्र नहीं मिल रहे, पुष्प नहीं मिल रहे, केवल नारियल हमारे पास है, तो केवल नारियल से भी हम पूजन कर सकते हैं, मतलब नैवेद्य में अगर आप चढ़ाना चाहे। फल ना मिले तब तृण गुल्म औषधि ही चढ़ानी चाहिए, यदि वो भी ना मिले। यहाँ पर औषधि का अर्थ जो है धूप आदि है, मतलब धूप आदि संरक्षित करके रखा जा सकता है दोस्तों, जो भी सारे गुग्गुल है ये जो भी सारे हैं, तृण गुल्म आदि से भी पूजन किया जा सकता है, और ये जो औषधि धूप आदि है इससे भी पूजन किया जा सकता है। अगर वो भी आपके पास मौजूद नहीं है तो भक्त्या भवति पूजिता, केवल जो है भक्ति से पूजन करना चाहिए, अर्थात जो है पुष्प ना मिले तो पत्र अर्पित करना चाहिए, पत्र ना मिले तो फल अर्पित करना चाहिए, फल ना मिले तो तृण गुल्म औषधि आदि या फिर जो है धूप औषधि आदि जो है वो चढ़ानी चाहिए, और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो भक्ता भवति पूजिता, तो भक्ता भवति पूजिता अर्थात जो है केवल भक्ति से ही जो है आप जो है पूजन कर सकते हैं दोस्तों, अर्थात जो है भक्ति ही यहाँ पर जो है मूल है, क्योंकि भक्ति ही जो है वो निष्काम पूजा है दोस्तों। तो सकाम पूजा और निष्काम पूजा की ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है कि जो भी कामना के साथ हम पूजन कर रहे हैं वो जो है सकाम पूजा है, और निष्काम पूजा जो है वो भक्ति भाव के साथ जो है मानस रूप में हम जो कर रहे हैं अपने इष्ट के लिए जो कर रहे हैं, केवल उसमें कामना इतनी ही रहती है, प्रार्थना यही रहती है कि भगवत भक्ति में जो है वृद्धि हो, किसी भी प्रकार की दूसरे कामना आदि नहीं रहती है, जो कि सकाम पूजा में होती है। निष्काम पूजा में केवल मात्र जो है अपने इष्ट के प्रति जो है मतलब भगवत भक्ति वृद्धि के लिए ही जो है केवल मात्र जो है निष्काम पूजा किए जाते हैं दोस्तों, और मूल रूप से भक्ति ही जो है वो पूजा का मूल है दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी ना मिले तो भक्ति से ही जो है पूजन करना चाहिए, अर्थात जो है दोस्तों निष्काम जो पूजा है वही जो है सबसे श्रेष्ठ पूजा है, वही जो है भक्ति से जो पूजा है, मानस पूजा जो है वही जो है सबसे श्रेष्ठ पूजा है। आपके उपचार आदि विधि आदि जो है ये शास्त्रीय जैसे सकाम पूजा में बहुत ज़रूरी है, पर निष्काम पूजा में भावना और भक्ति के उपचार ही मूल होते हैं। अपनी मानस रूप में जिस प्रकार से आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर जो है भावना और भक्ति के उपचार ही जो है वो मूल हो जाते हैं दोस्तों, मतलब जो है भक्ति ही जो है पूजा का मूल है, और निष्काम पूजा ही जो है वो उत्तम पूजा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सकाम और निष्काम पूजा के विषय में, मुझे कमेंट्स करके या मेल करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।